नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों। किसान साथियों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल भर रहे एग्रो फार्म में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग इपको के नैनो डीएपी के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे पास इपको कंपनी से मिस्टर सौरभ दुबे जी आए हैं, जो सागर का पूरा एरिया देखते हैं। इपको के जो भी प्रोडक्ट हैं उनके बारे में किसानों को समझाते हैं कि इनका यूज क्या है, इनका फायदा क्या है, क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं। तो आज दुबे जी हमारे खेत पर आए हैं, हमारे फार्म पर आए हैं, और हमारे पास जो गेहूं की वैरायटी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, HI 1636 पूसा बकुल। तो इसमें सर ने हम लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन प्रोवाइड किया है, तो इसमें मतलब एक प्रकार का हम डीएपी का प्रदर्शन देखेंगे कि कैसा रहता है। दोस्तों, इस वैरायटी में आधी जगह में डीएपी का उपयोग किया है और आधी में नहीं किया है, जिससे कि हम रिजल्ट ऑब्जर्व कर पाएंगे। बाकी मैं सोयाबीन में ऑलरेडी पहले ही रिजल्ट ऑब्जर्व कर चुका हूं, काफी शानदार नैनो डीएपी के रिजल्ट रहे हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी पहले दिखा चुका हूं। तो दोस्तों, आइए अब हम सौरभ जी से बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, आप बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके चैनल पे मुझे बुलाने के लिए, मैं आपका बहुत आभार रहूंगा। बहुत बहुत मेरा धन्यवाद नाम सर। सौरभ दुबे है, मैं क्षेत्रीय प्रभार इफको में सागर दमोह दो जिलों का देखता हूँ। चूंकि आपने जो अभी नैनो डीएपी के बारे में चर्चा की है, तो मैं आपको और किसान भाइयों को विस्तृत रूप से बताना चाहता हूँ कि ये जो नैनो डीएपी है तरल रूप में अभी आया है। अभी पिछले साल मार्च में माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने इसका लोकार्पण किया गया था, और अभी जो आपके जो खेत में इसका हम लोगों ने स्प्रे किया है, डेमोस्ट्रेशन किया है। तो सबसे प्रथम तो दृष्टि आपको बताना चाहता हूँ कि लिक्विड फार्म में है, इसमें 8% नाइट्रोजन, 16% फास्फोरस है। क्योंकि नाइट्रोजन का काम तो प्रायः सभी लोग जानते हैं, सभी किसानों को जानकारी है कि नाइट्रोजन का काम सिर्फ पौधे को हरापन प्रदान करना है, और उसके थोड़े से माइक्रो न्यूट्रन वगैरह मेंटेन करके रखता है। इसके बाद फास्फोरस का काम क्या होता है? फास्फोरस का प्रमुख रूप से काम होता है पौधे की जड़ों का विकास करना, और जो भी माइक्रो न्यूट्रन जमीन के आसपास खनिज तत्व हैं तो वो फास्फोरस की उनको अब्जॉर्ब करता है, खींचता है, और पूरे पोषक तत्व पौधे की जड़ में लाकर एकत्रित करके दे देता है, जिससे पौधे की बढ़वार होती है, पैदावार बढ़ती है, कलाएं शाखाएं आती हैं और उपज में वृद्धि होती है जी। अब सबसे प्रमुख कारण है नैनो डीएपी का कि नैनो डीएपी किसान क्यों उपयोग करे। जी, नैनो डीएपी एक सहज रूप से मिलने वाला उर्वरक खाद है। क्योंकि अभी किसान को आपने देखा होगा कि जैसे डीएपी के लिए लाइन में लगते हैं किसान, कट्टी वाला कट्टी डीएपी वाली जो 50-1 किलो का एक कट्टा आता है, जी, तो वो सहज रूप से उनको किसानों को उपलब्ध नहीं हो पाता। एक कट्टे के लिए उनको 2-2-3-3 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ता है, जी, 1350 रुपये की बोरी लेने जाते हैं। जी, चूंकि जो 1350 रुपये की बोरी लेने जाते हैं उसकी वास्तविक मूल्य यदि आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखा जाए, हाँ बहुत ज्यादा जी, है, तो हमारी भारत सरकार को लगभग वो 2500 से 2600-2700 के बीच पड़ती है जी, एक जी बोरी, क्योंकि वो सब्सिडी वगैरह काट के किसानों को 1350 रुपये में उपलब्ध होती है। जी अब इसकी यदि कीमत की बात देखी जाए तो नैनो डीएपी की मात्र निर्धारित कीमत कितनी है? 600 रुपये। जी ये 600 रुपये में आपको कहीं भी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। जी इसका उपयोग भी बहुत सरल तरीके से, आपको बोतल लाना है, इसको बोतल के लिए आप 4 ml प्रति लीटर पानी की उपयोग, मतलब आपका जैसे 1 लीटर पानी है तो उसमें 4 ml का आप उपयोग करके इसका स्प्रे कर सकते हैं। 20 लीटर का पंप है यदि आपका, तो उसमें आप 80 ml डाल सकते हैं। इसका 5 ml प्रति किलो से बीज उपचार होता है शुरुआती, यदि आप बोनी कर रहे हैं जी, तो जैसा आप DAP मिला के बोनी करते हैं। तो सर मतलब कि इससे हम बीज उपचारित भी कर सकते हैं, जी साथ में हम स्प्रे के माध्यम से भी इसको हम फसल में डाल हाँ सकते हाँ हैं। हाँ भाई, आप जैसा मतलब शुरुआती दौर है, जी तो शुरुआती दौर में अपन क्या करते हैं कि बीज उपचार करेंगे इसका 5 ml प्रति किलो के हिसाब से, जी तो मतलब 100 किलो के लिए 500 ml की बोतल पर्याप्त है। पर्याप्त है तो आप इसको बीज उपचार करके आप जैसे आप एक कट्टा बोनी में एक एक उसमें मिलाते हैं गेहूं का, जी तो इसको आप एक बोतल से बीज उपचार कर लीजिए, जी फिर आपका जो नेक्स्ट आपकी 30 दिन की फसल हो जाए तो उस पर आप इसका एक स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे में आपका 4 ml प्रति लीटर का डोज रहेगा। दोस्तों, आप स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं,
दो प्रकार की आपको फोटो दिख रही हैं। इसमें एक बिना उपचारित की फोटो है और एक है नैनो डीएपी द्वारा उपचारित। दोनों में फर्क साफ दिख रहा है, जड़ों का विकास काफी अच्छा दिख रहा है। हाँ सर, अब जैसे मान लीजिए एक बॉटल है ये, हम फॉलियर स्प्रे करते हैं जी, तो कितनी जगह के लिए पर्याप्त है ये? एक एक बॉटल आपके एक एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। अब यहाँ पर एक मेरा क्वेश्चन था जी, और बहुत से किसान भाइयों का भी यही रहता है जी, कि क्या एक छोटी सी बॉटल 50 किलो कट्टी के बराबर काम करेगी कि उससे कम या ज्यादा क्या रहेगा? आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया रहा आपने। जो अधिकांशतः किसानों का कहना होता है कि सर एक 50 किलो की कट्टी में एक हम पूरा खेत करते हैं जी, और आपकी एक बोतल कैसे पर्याप्त रहेगी। चूंकि आप सब सर्वप्रथम प्रथम दृष्टया देख सकते हैं कि क्या लिखा है इस पर, नैनो। नैनो मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म, नैनो मतलब सूक्ष्म। एक टुकड़े के या हम 55,000 टुकड़े करते हैं तब जाके उसका एक नैनो पार्टिकल बनता है। नैनो सबसे पहले अपने यहाँ एक टाटा की नैनो कार आई थी, सबसे छोटी। अब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब हम कभी भी शेविंग कराने जाते हैं, किसी भी पार्लर में जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम 1 लीटर पानी में हम सिर्फ अपना स्वयं का मुंह हाथ धुल सकते हैं। चूंकि वही सैलून वाले 1 लीटर पानी को बॉटल में भर के उसके स्प्रे से 50 लोगों के मुंह धुल देते हैं, तो वो क्या है, नैनो पार्टिकल में बढ़ जाता है। तो इसी तरह नैनो यूरिया है, हमारे पास नैनो यूरिया भी हो और नैनो डीएपी भी है। तो जिसके पार्टिकल बहुत सूक्ष्म हो जाते हैं, बहुत बारीक हो जाते हैं। अभी ड्रोन के माध्यम से भी हम लोग इसका स्प्रे कराएंगे, ड्रोन भी अभी अवेलेबल होने वाले हैं। ड्रोन में क्या होता है, बहुत कम पानी में बहुत ज्यादा जगह कवर हो जाती है, वो भी ड्रोन के अंदर भी नैनो पद्धति चलती है और नैनो टेक्नोलॉजी से बना है, तो इसका इफेक्ट काफी अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और अभी बहुत आपके आसपास के क्षेत्रों में बहुत लोगों की डिमांड है। जो लोग पहले लाइन लग के यूरिया डीएपी के लिए मारा मारी होती थी, अब वो धीरे धीरे बंद होती जा रही है वैकल्पिक रूप में। बहुत अच्छा ऑप्शन है और एक प्रकार से कहें कि ये गेम चेंजर साबित होगा इन फ्यूचर। बिल्कुल, तो बिल्कुल गलत नहीं हूं मैं जी सर। और क्योंकि मैं रिजल्ट ऑलरेडी सोयाबीन की फसल में देख चुका हूं, काफी अच्छे रिजल्ट रहे हैं। और दोस्तों, मेरे गांव के आसपास के जो भी किसान हैं, वो किसान अगर नैनो डीएपी के रिजल्ट देखना चाहते हैं तो बिल्कुल उनका स्वागत है। आप मेरे फॉर्म पे आ सकते हैं और आप रिजल्ट खुद देख सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का वो नहीं है कि हमने सर ने बताया और आप खुद रिजल्ट ऑब्जर्व करें। साथ में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा सर, एक और समस्या आती है कि जैसे ये बॉटल बना दी 500 ml, आपने तो बोल दिया कि 1 एकड़ में डाल दीजिए, लेकिन किसान भाई हमारी यहाँ पर गलती करते हैं, पानी की मात्रा कम लेते हैं जिससे कि दवा का रिजल्ट बराबर नहीं आ पाता है। ये बहुत से किसान भाइयों के साथ प्रॉब्लम है। तो कितना पानी, मतलब पानी बहुत किसान जरूरी है। किसान भाइयों के लिए जो आपने बताया है, ये सबसे बड़ी समस्या है। मुझे भी जब कभी भी जाता हूँ तो किसानों की यही समस्या आती है कि सर हम 1 एकड़ में 2 पंप में या 3 पंप में बाहर आ जाते तो हैं, नहीं आएगा। तो किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, 2 या 3 पंप में मतलब आपका 60 लीटर पानी में आपके यहाँ खेत में रिजल्ट नहीं आएगा। आपको 1 एकड़ में यदि आप बैटरी वाले पंप से स्प्रे कर रहे हैं तो कम से कम आपको 7 पंप 1 एकड़ में 150 से 200 लीटर पानी अनिवार्य है। यदि आप पेट्रोल वाले से पावर स्प्रेयर पंप से कर रहे हैं तो उसमें हम आपको मिनिमम 5 पंप लेकर आपको एक प्रति एकड़ में जाना ही है। कम से कम 150 लीटर पानी आपको 1 एकड़ में देना है। 150 से 200 लीटर में देंगे तो आपको कोई भी दवाई, कोई भी शिकायत का मौका ऐसा नहीं आएगा कि हमारी दवा ने काम नहीं किया। सबसे ज्यादा रिजल्ट देता है पानी के लिए। दवा के साथ पानी पर्याप्त मात्रा में जरूरी है। उसके साथ भी पानी भी आपको चाहिए साफ शुद्ध, ना कि आप किसी नदी नालों का पानी जो दूषित हो तो वो भी आप उपयोग ना करिए। तो दोस्तों, आप लोगों को जानकारी काफी पसंद आएगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अन्य किसानों तक शेयर करें। और आपने अभी तक आपके अपने चैनल भर रहे ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।